जयंती समारोह जो हम लोग मना रहे हैं, इस खानदान के और इस वंश के हंस का सम्मान मैं कर रहा हूं अपने छोटा भाई शारदा यादव जी का। जरा सा एक बार जोरदार ताली बजाकर हम सम्मान करेंगे। क्या बात है शारदा रहल, ये शारदा के बेकहल कर दिले। जो आप हैं वही गुरु जी कहते हैं। क्या बात है, सबसे पहले बिरहा के भगवान बिरहा के अमर गायक स्वर्गीय जमाने में कहा, लेकिन एक संत है और एक महात्मा, एक स्वामी जी की पुकार है, आवाज है कि राम जन्म कभी रामदेव को स्वर्गीय मत कहना। वृंदावन बिहारी लाल भैरा आश्रम के सरकार कहे थे कि राम जन्म कभी रामदेव और पुल्लू को स्वर्गीय मत कहना, और हो सके तो कलाकारों से बताना कि ये लोग स्वर्गीय नहीं, ये लोग अमर है, ये लोग अमृत को पा गए, चाहे हमारे धर्म के बाबूजी अमर गायक, इस मिट्टी के शोधी मिट्टी के अमर गायक रामदेव बिरहा के भगवान कहे गए, और इस मिट्टी के अमर गायक बुल्लू गुरु जी। कोई जवाब नहीं रहा, जैसे उठी का नग हुआ करता हो, इससे बिरहा जगत के दो नग रहे। और लास्ट में मठगड़वा घाट सदगुरु भगवान के आश्रम में जाकर के आपने अपनी मौत को जब बयां किया, हमारे मौत में सदगुरु भगवान इतना वक्त है, तो नाम आश्रम से पड़ा स्वामी सदगुरु भगवान दयालु दाता एक नाम दिए मठगड़वा घाट आश्रम से आपका। आप केवल कलाकार नहीं रहे, केवल बिरहा के भगवान ही नहीं रहे, आप एक संत रघुवर दर्शनानंद और बिरहा जगत के मूर्धन्य कवि परमादरणीय पूजनीय वंदनीय पूज्य गुरु जी श्री चंद्र का कवि जी और बुल्लू गुरु जी काशी गुरु जी, हमारा छोटा भाई इस खानदान का विरासत संभाल रहे पप्पू लाल यादव, सबके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक श्रद्धांजलि गीत प्रस्तुत करते हैं। और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश उद्योग मंडल के महासचिव महोदय जो हमारे गार्जियन हमारे आदर्श हैं, परमादरणीय श्रीमान किशन जाय सवाल जी महोदय जी के कृतज्ञ द्वारा हमें सम्मानित किया गया और हजारों रुपयों का आशीर्वाद दिया गया। डॉक्टर अंकित यादव कृपा मेमोरियल हॉस्पिटल के प्रबंधक महोदय आपके कृतज्ञ द्वारा भी सम्मानित किया गया।
हमारे छोटा भाई छोटे भाई शारदा यादव जी के भी कर्कलों द्वारा हमें सम्मानित किया गया। बहुत बहुत आप सबको प्रणाम है। और जिनके श्रद्धांजलि समारोह में हम लोग आज उपस्थित हैं, वो देवता के चरणों में कोट कोट श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पे कभी हृदय कलाकार बंधु यूट्यूबर साथी हमारे यूट्यूबर साथी हमारे शिवा बाबू जो हमारा भतीजा हमारा बेटा है। और यह रजत रजत जयंती समारोह इसका मतलब हो गया कि सामाजिक एक संदेश देना सबका है। क्या हमें आज भी याद है राजेश बाबू, अब तो रोवा खड़ा हो गया स्वामी जी के बात याद दिलाता। बहरा आश्रम के बड़े अनन्य भक्त हमारे गुरु भाई और हमारे छोटे भाई राजेश यादव अपने फन के बड़े माहिर फनकार स्वामी जी के सम्मान में जो 200 रुपए का पुरस्कार सुंदर पुरस्कार प्रदान कर लेना छोटा भाई बहुत प्रणाम। कलम के प्रहरी और कलम के प्रहरी और हमारे हर कार्यक्रम का संदेश जन तक जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे बड़े भैया श्री मदन यादव मीडिया प्रभारी महोदय आपका भी रंगमंच की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और यदवंशी घराना गांव गोबरा जनपद जौनपुर में जन्म जरूर हुआ लेकिन कर्म क्षेत्र काशी नगरी है हमारे बड़े भैया श्री संतोष पहलवान जो मे माटी के मजनू है परमादरणीय नीरज पहलवान जो मल्लयुद्ध के पुरोधा जिन्होंने शेर को पछाड़ा इस जमाने में उनके छोटे भाई आप हैं। आपका सम्मान इस मंच के माध्यम से होने जा रहा है। आरपति हमारे गुरु जी मल्लयुद्ध के पुरोधा और कलम के जादू कर कहने वाले पूजनी वंदनी माने हमारे पति गुरु जी श्री मनोहर पहलवान गुरु जी के कर्कण द्वारा जो आशीर्वाद आया है 200 रुपए का आशीर्वाद गुरु जी के चरणों में नमन प्रणाम सब यौन प्रणाम बा ताली बज जाए बात क्या बात है क्या बात है। ₹500 का आशीर्वाद हमारे संतोष पहलवान नेता समाजवादी पार्टी बहुत बहुत सा। और हमारे संजय भैया आप भी आ जाएं संजय भैया आप भी आ जाए आपके भी सम्मान मंच के माध्यम से हो। और हम डायरेक्ट श्रद्धांजलि की ओर चलते हैं। 2 मिनट का समय आपको लेंगे 5 मिनट में 5 लाइन के गीत है हमारे देवता पूज्य भी होगी कभी भी इस गीत को सवारने काम किए हैं। इस खानदान के बाधक रहे स्वर्गीय साधु उस्ताद इस खानदान के बाधक रहे स्वर्गीय साधु उस्ताद के बाद बाबूलाल उस्ताद के बाद लाल भरत उस्ताद यही पीढ़ी आ रही इस खानदान से बड़ा रिश्ता है। क्या बात है अभी संजय भैया के भी सम्मान में और बड़ा अच्छा लग रहा है। आइए एक श्रद्धांजलि की ये 500 रुपए का आशीर्वाद हमारे संजय भैया आपके कर्कण द्वारा भी प्रदान किया गया बहुत बहुत धन्यवाद मालिक सुखी रखे सकल पंच के प्रणाम बा। हमारो साथ आवत है आवत है साथ तब ठीक है। मुगल सराय हल्का उठा दे हल्का सा और ये उठा दे बोल
मुगल सराय रानीनगर से चलकर आए हमारे गुरुदेव। जो भी रहा कि आप सुनने संदेश मिले आए आवत है श्री गंगा राम कन्नौ जी अनेता जी श्री निवेदन करेंगे हमारे रविनगर मोहल्ले से आए हैं और एक नटलीवंश पर बुलाना चाहता हूं पूज्य नेता जी को। आप आए आपका सम्मान मैं करूं पूरे पूर्वांचल आप में आपके नाम की चर्चा है। पिछले साल भी आप हमारे साथ आए थे इस कार्यक्रम में, इस साल भी आप आए हैं और समाज के लिए जीना है समाज के लिए मरना है। संत गाडगे महाराज जी के अनन्य भक्त आप हैं और उनके बताए हुए पक्ष लोग आप चलने काम क्या करते हैं आपका सम्मान मैं करूं। चंचल यादव पाणे गोबरा ग्राम सभा के भावी प्रधान अच्छा प्रत्याशी सादर 100 रुपया। जिला पंचायत गोबरा अखिलेश यादव माननीय अखिलेश यादव जिला पंचायत गोबरा के कर्कन द्वारा सादर 100 रुपए का आशीर्वाद भैया के चरण में हमारा धमन प्रणाम हो मालिक सुखी रखे। प्रकाश यादव कुनिया और 100 रुपए का आशीर्वाद भैया हमारे श्रीमान प्रकाश यादव कुनिया से और हम लोग के मामा के लड़के हैं बहुत बहुत सभी प्रणाम सकल पंथ के प्रणाम बा श्री गंगाराम नेताजी के सम्मान में कर रहा हूँ। एक बार तनिष्ठ ताली बजाकर लोग सम्मान करेंगे क्या बात। ये हमारे गुरु भी हैं जो हमारी लाइन भटक जाती है उससे बताते हैं देखिए ऐसे नहीं ऐसे है अभी एक प्रश्न को डाल करके उलझाए हैं बहुत बहुत सम्मान। आइए दासवरदा डायरेक्ट आए हुए इस कार्यक्रम में सभी कलाकार कवि हृदय गणमान्य जन का इस रंग मंच की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। विरह की सुंदर गायिका कविता यादव और आचल राघवानी न तो आप राघवानी तो आप लोग हंसबा कैसे आचल भारती बहुत सुंदर गायिकी और बिहार की धरती चलकर आई है बिहार जिन्हें अंबिका पहलवान कभी सीता सांवरी आपका भी रंगमंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे भाई ज्ञानी यादव जी का भी हृदय से जलायु सभा व्यक्त करता हूँ। आनंद बाबू सभी साथियों का अभिनंदन बंदन आइए यहीं से हमको क्या मानते रहे विराज भगवान क्या रहे शारदा इनका भाव है धारा बाबू और हमारे नवगढ़ का लाल हमारे नवगढ़ जो ऐतिहासिक धरती है जो कुछ न कुछ सांसद विधायक गायक पैदा करती है वो धरती हमारी बनांचल की धरती नवगढ़ की धरती। राम जन्म के बाद उस धरती का कारभार किसी के ऊपर है सर के ऊपर है तो हमारा छोटा भाई दर्शन गांव जी एक बार जरा जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे बाबू का बहुत बहुत धन्यवाद मालिक सुखी रखें। और सुंदर पहाड़ 500 रुपया पुरस्कार देकर हमारे बाबू सम्मान कर लेना और आज के परिवेश में सबके जोड़ है मालिक सुखी रखें बहुत बहुत धन्यवाद धरा प्रयागराज इलाहाबाद के आगे कौशाम्बी की धरती से फेसबुक पर हमेशा आप देखते होंगे इस चेहरा को रामदेव जीता रामदेव जीता आपके टाइटल है और अपने क्षेत्र में अपने जनपद में अपने जवार में अपने फन के बड़े माहिर फनकार हैं और हमारे गुरु जी की चर्चा जन तक पहुंचाने का काम करते हमारे छोटे भाई रामदेव जीता जी क्या बात है। रामदेव जीता राम जन्म का रंग कलर एक है बहुत बहुत धन्यवाद बाबू को मालिक सुखी रखे। गुरु
श्री गुरु चरणन शारदा बाबू ज्ञानी बाबू या परिवार के जो भी हमारे सचाऊ बाबूजी सचाऊ चचा बिल्कुल न कहे सब लोग सुनेंगे इस लाइन को, चार लाइन सुन ले और मैं श्रद्धांजलि गा रहा हूं हमारे भाई श्री सुरेंद्र यादव छपरा गाजीपुर सादात गाजीपुर सजमिलान करते हैं और सतीश यादव हमारे भैया जपागी बलिया के धरती से मिलान करते बड़े अपने फल के माहिर फलकार है छोटे भाई बबलू यादव सभी लोगों का अभिनंदन है और हमारे पाला यादव भैया हमारे भदोही की धरती जो सम्मान करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। क्या रहे हमारे पंचगुरु जी आइए लाल स्वर्ग सरताज सहदेव के पंसनी स्वर्ग सरताज सहदेव के वंश में कुल के कुल भूषण कहलाए थे रामदेव फूलबासी मैया के आंचल किया भार अमर ज्योति अपनी जलाए थे रामदेव राम जन्म चमकोगे तुम चांद सा यही आशीष हमको सुनाए थे रामदेव सरताज सहदेव के वंश में कुल के कुल भूषण कहलाए थे रामदेव फूलबासी मैया के आंचल की आभा अमर ज्योति अपनी जलाए थे रामदेव बिरहा की श्रेणी में वीर रस गाने में बिरहा सम्राट पद पाए थे रामदेव राम जन्म चमकोगे तुम चांद सा यही आशीष हमको सुनाए थे रामदेव आज चार लाइन की श्रद्धांजलि है क्या कहना मास्टर चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं क्या है और हमारे छोटे भाई हिरण यादव सिकरौल बनारस के धरती जो बीसों कार्यक्रम अपने देख रेख में हमारा छोटा भाई कराने काम करते हैं बाबू को उससे सुंदर उपहार सादर 500 रुपया पुरस्कार से स्वागत कल गल बहुत बहुत धन्यवाद बाबू के वार्ड नंबर 9 पार्षद प्रत्याशी शिवपुर से भैया मेरे बनारसी यादव सादर 251 रुपये का आशीर्वाद प्रदान की सुंदर उपहार शरण में आपके नवन प्राम सभी प्राम बा हनुमान जी और सतगुरु भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें क्या बात है बाबू बा क्या बात क्या बात है बोले 3 साल लगातार क्या बात है दादा बाबू धन्य ओ कलम कलम आवाज समाज जे करे आज भी दीवाना
पहली लाइन हमारे गुरु जी लिख रहे हैं कि क्यों आए यहाँ, क्यों अवतार हुआ था उनका। ये दो मनुष्यों का इस धराधाम से अवतार क्यों हुआ था? बारे हमारे वियोगी कवि जी, आपने गागर में सागर भरने काम किया है, भदोही के धरती चंद्रे बड़े कवि हमारे गार्गिल मोहम्मद श्री बाला यादव सादर 100 रुपया भैया के मन काम। राजू बाबू बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना के शकल बन के बड़ा भक्तो कलाकार और अंतरराष्ट्रीय कलाकार हमारे आदर्श श्रीमान डॉक्टर मन्नू यादव जी के परम शिष्य आप हैं। मन्नू डॉक्टर साहब कहीं अंबिकापुर आपका कार्यक्रम बाहर है, नहीं आ पाए, आपको आना था। और आपके परम शिष्य हमारे छोटे भाई बबलू यादव जी ने सुंदर उपहार और ये 500 रुपया पुरस्कार दे करके हमें सम्मानित करने काम के बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अनपढ़ गुरु जी ढोल सम्राट जो महुआ चैनल भी गंगा चैनल पे हम लोग गवाने काम करते रहे, विश्व कलाकार हम लोग गाते रहे आपके ढोल वादन पे। और इस समय हमारे साथ में आप मंच पे संगत करते हैं ढोल सम्राट श्री लाल भरत बोस जी का सम्मान किए हमारे अनपढ़ गुरु जी 500 रुपए का के बाद सुंदर उपहार देकर। बहुत बहुत गुरु जी के चरणों में हम नमन प्रणाम करते हैं। गुरु घराना सिंधी ताली से चलकर आए इस कार्यक्रम में स्वर्गीय रामलाल गुरु जी के भतीजे आप हैं और हमारे बड़े आदर्श हमारे बड़े गार्जियन श्री बिहारी यादव और उस ग्राम सभा के लोकप्रिय सभापति महोदय पूजनी बंदनी मानी और विराक बड़े धुरंधर कलाकार श्री शिवमूर्त प्रधान जी, दोनों लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग मंच पे आवे, आप लोगों का सम्मान करो, अपनी लाइन पूरा करता रहूं। शिवमूर्त प्रधान जी और अमीर बिहारी भैया, राम बली भैया आप कैसे छूट जाएगा भैया, जहां बिहारी हो राम बली हो तो आइए। सबसे निराला अंदाज हो सबसे निराला अंदाज समाज के कर आज भी दीवाना सबसे
सा यादव आंचल बाबू दोनों लोगों के ओर से सम्मान किया गया बिरहा की बगिया के आप लोग फुलवारी को सींचे ये हमारी शुभकामना है बहुत बहुत बधाई है। ये लोग कैसे खड़ा हो गए जिससे सब हमारा रुक्मिणी खड़ा हो क्या बात बहुत बहुत बधाई ये बहुत सुंदर बाहर बहुत बहुत रुपयों का पुरस्कार देकर के बिरहा जगत के दोनों कलाकार अपने फन की बड़ी माहिर फनकारा मालिक करें गुरु जी लोग का आशीर्वाद लगे कि कला क्षेत्र में आप लोग के चार चार लगे ये हमारी शुभकामना है। और गुरु घराने से चलकर आए हमारे स्वर्गीय रामलाल गुरु जी के भतीजे श्री बिहारी यादव और सिंधी ताली ग्राम सभा के जो धरती हम लोगों के लिए स्वर्ग है वो धरती के गौरवान्वित गरिमा हस्ती मानी शिवर प्रधान जी से मंच पे आसीन है छोटे भैया बिरहा के स्टार कलाकार श्री ज्ञानी यादव जी से निवेदन करता हूँ बाबू आवे और अपने हाथ से इस मनीषियों का आप सम्मान करें जो हमारे मंच पे आसीन है जो अपना अमूल्य समय लेकर के आए हैं इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं ज्ञानी बाबू हमारे बिहारी भैया मेरे सिमरन प्रधान राम बलि भैया का सम्मान करें। धरती पर अवतार हुआ था बिरहा के लिए धरती पर अवतार हुआ था बिरहा के लिए यही कवि की लेखनी बयां कर रही है कि धरती पर अवतार और अलग अंदाज रहा किसी का नकल नहीं रहा जो आप लिख दिए जो गा दिए जो लिखे वही अमित लकीर हो गई जो गा दिला पत्थर की लकीर हो गई मुंह आगे के के और हमारे ये हमारे जीजा हैं जीजा जी का सम्मान हुआ है और जीजा जी पैसा दबा के न दे हैं दिखा के दी है पांच सौ से कम दिमाग तो पहनो ये मरना ही हुआ प्रधान की ओर से अब आप लोग देख लाई 500 की 100 रुपया कथ के इनाम मनाई 400 उधार रही ये चीज आप बुरा मत माना होली है ये 500 रुपए का आशीर्वाद हमारे बिहारी भैया रामलाल गुरु जी के आप भतीजा हैं और बिरहा मैंने गाया था कहानी बिरहा घराने की आप लोग सुने होंगे यूट्यूब पे सुनते होंगे बड़ा पसंद आप लोगों ने किया बड़ा लाइक किया आप लोगों ने बड़ा अच्छा लगा महेंद्र पहलवान कछवा का सम्मान होने जा रहा है आइए आइए पहुंच चुके आइए आपका सम्मान छोटा भाई चकिया ढुकिया सम्मान के लिए बाबू के बहुत बहुत धन्यवाद बिहारी भैया बल्ली भैया बैठ रहे आप लोग ये चार लाइन कहो बात चार लाइन सुन लीजिए अगले बार भी कुछ और रहा और इस बार कुछ और है तो बिरहा के बड़े मुर्धन्य कलाकार
बड़े शानदार कलाकार, बड़े स्टार कलाकार हमारे भाई सुरेंद्र यादव सादा छपरा जनपद गाजीपुर। एक सुरेंद्र बलिया में है तो बलिया में सुरेंद्र का अंदाज कुछ और है, लेकिन सुरेंद्र का अंदाज कुछ अलग है। गांव का परमेश्वर के बेटे भैया के पुरस्कार और बड़े अपने फन के बड़े माहिर कलाकार हमारे दीनानाथ भैया का कोनो जवाब नहीं है गायकी में, शायरी के बड़े परिपक्व कलाकार हैं। दीनानाथ भैया के कृपा द्वारा भी सादर 100 रुपया बहुत बहुत सब भैया के प्रणाम। दीनानाथ पलटा वाले यानी भैया बता दो कि पलटा वाले से पहचान पुरस्कार बहुत बहुत बाबू के धन्यवाद। तीसरी लाइन है, क्या कहना है आइए। जैसे द्वापर में कृष्ण अर्जुन का साथ रहा, वैसे इस युग में सर के चंद्रिका गुरु जी और रामदेव बाबू जी का साथ रहा। जमाना कायल होकर के सर पे ताज बांधा, सुनिए सुन ले बा मजा आ गया। क्या कहना है आवाज़ है विकास यादव बाबूपुर से सुंदर उपहार सादर 100 रुपया पुरस्कार। बचवा गुरु जी के मान सम्मान के हमेशा बरकरार रखे और कला क्षेत्र में प्रगति हो, हम लोगों से भी बड़ा कलाकार बने हमारी शुभकामना है। गागर में सागर भरत चंद्रिका गुरु जी के गीत हो और भारतीय जवानी रामदेव का संगीत हो, जितना बढ़िया लिखवाइया उतना बढ़िया गवैया रहे, इतने ना गौर करेंगे कैसे ना करें।
जन जन के दिल पे करना जी हो जन जन के दिल पे करना समाज के कर आज भी चौथी पॉइंट चार पांच पॉइंट था लेकिन चौथी पॉइंट सिमरत प्रधान जी उस घराने से बिलान करते हैं जहां विराह के देवता जन्म लिए थे, जहां विराह के देवता का जन्म हुआ वही आपका भी जन्म हुआ है। तो इस लाइन पर गौर करें, कहना कैसे मैटर हर लाइन दिल पवार करने वाली थी। क्या बात है, दो बेटा तब तक विरह अधूरा रहते हैं। हरि गीत रामदेव गुरु को बोले, हरि गीत रामदेव गुरु का, हरि गीत बुल्लू गुरु का, चंद्रका गुरु ने इसे लिख ले हैं। जब तक रहिया नाम न लिया हम लोग नाम न लेंगे गला तो विरह अधूरा रह गला। इसलिए कहना है, क्या कहना वाटर, आइए पांचवी कड़ी बड़ी बढ़िया बात कर लिख ले। कैसे वाटर, हरी भैया हमारे चंद्र हाथ भैया हमारे राय साहब आ गए बड़े मौके पे। क्या कहना है, और हमारे गुरु जी मंच पर बैठे हैं, गुरु जी सुन रहे हैं, आप लोग यहाँ नहीं थे बाथरूम में। जब मैंने गाया कि स्वर के सरताज सहदेव के बन समय कुल के कुल भूषण कहलाए थे रामदेव, फुलवासी मैया के आंचल की आभा अमर ज्योति अपनी जलाए थे रामदेव, विराहक श्रेणी में वीरस गाने में विराह सम्राट पद पाए थे रामदेव, राम जन्म चमको के तुम चांद सा यही आशीषम को सुनाए थे रामदेव। जब ये लाइन मैंने गाया तो ये दोनों देवता दोनों मनीषी नहीं रहे, हमारे राय साहब और हमारे चंद्रहास गुरु जी, लिखे वाले हमारे पूज्य गुरु जी श्री हरिद्वार कवि जी है। इस लाइन को हरिद्वार गुरु जी ने पिरोया था। तो अगली लाइन में दो जोड़ी की मैं बात बता रहा था, विराह में दो जोड़ी, कौन जोड़ी है बाबू, जोड़ी बात बताते हो, जोड़ी समंत हाँ तू तो कहबे कर बाबू, वही मैं ये हुआ नाल उठा दला करा।
सबसे अनोखा सूरताज हो, सबसे अनोखा सूरताज समाज के बात कभी ने लिखे हैं तो जोड़ी काशी बल्लू चंद्रका राम देव काशी बल्लू चंद्रका राम देव जैसा लिखोइया उसने गोइया और इस लाइन पे जो ताहिने हमेशा चलते रहे सुख में दुख में हमेशा जो हमारे धर्म के पीछे दादा स्वर्गीय सहदेव गुरु जी के जमाने से जो इस खानदान से बिलान करते हैं परमादरणीय हमारे श्रवण पांडे पज गुरु जी अनपढ़ गुरु जी से निवेदन करूंगा कि गुरु जी एक मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं। मैं आपका सम्मान करूं चूंकि आप इस खानदान से बिलान करते हैं और आपके कलम के लिखने का कोई जवाब नहीं है और हमारे बालाजी कमलेश यादव और बालाजी आपकी टाइटल है विराट बड़े फनकार बड़े फन के बड़े माहिर फनकार है पूजा निगम जी को गवाने का आप काम क्या करते हैं फ्रेंड है और संचालक महोदय से बता दीजिए जिनको कहेंगे हमारे बाद लड़की बेटी कविता यादव है अचल है और पावरिया जी है सावरिया सब लोगों का पारी पारी भाई कलाकार डाले थे का दूसरे लड़की भी तो गावत रहे पूजा निगम जी भी आई है अच्छा हमारे नेताजी हमारे गुरुदेव श्री गंगाराम कन्नौजिया नेताजी जो मुगल सरारे भी लेकर स्थल कराए हमारे साथ में नेताजी के कर्पूर द्वारा सादर 200 रुपया चंदन मनोन प्रणाम बुलाए सम्मान किए हाँ हाँ कुछ हम कह देना तू अभी लड़का हुआ छोटा भाई हुआ टेंशन मत लो देखा जब जैसन तब तैसन न बुझे तो मरत कैसन हम तो मंच पर बताई ले जाते बाबू समय के साथ कभी कभी समझौता करे चाहिए समय के साथ समझौता होना बहुत जरूरी है शारदा बाबू यही आज का दशक कह रहा है निश्चित रूप से हमने बाबू जी के साथ बम्बई से लेके बंगाल तक गाया था अगाधीपुर से गाजियाबाद तक हमें गवाए थे हमारे बचपना रहा तो बचपना में रह लिया और उनकर ढलक एकदम रहल तो उनकर एक एक बात जैसे अमृत लगे और मंत्र जैसे लगे हमारे अनपढ़ गुरु जी हमारे मंच पे हैं जानते हैं कार्यक्रम हो तो बहुत प्यार गुलार मिले पहला प्रोग्राम इसी कैंट 9 नंबर पर हुआ था हमारा और गुरु जी एक मिनट के लिए खड़े हो जाते होता मैं आपका सम्मान कर दूं हम अपने आप को रोक नहीं रहा हूं चूंकि उनके साथ अब मैंने आपको देखा है क्या बात करें बात ताली बजा कर सम्मान करिए टाइटल अनपढ़ हो लेकिन अध्यात्म पर ही बाप है बाप माहिर है इसलिए तो आपने अपनी टाइटल अनपढ़ रखा माहिर है एक के चैनल वाला हमारे इंटरव्यू लेता है क्या बात है भाई माँ बच्चे को गोद में तब तक रहती है जब तक बच्चा छोटा रहता है क्या अनपढ़ बन के माँ के गोद में रहने वाले हैं क्या बात है क्या बात है आइए एक लाइन और है एक लाइन और क्या बात है बात है Yeah.
धरती का कोई कलाकार हो जब तक नाम नहीं लेगा, विराह की जहां बात आती है, जहां विराह की बात चलती है, तारीड़े न चढ़े माफी में ताजगी ने आई। और मैंने कहा प्यारी बाबा, इसलिए मैंने कहा कि वो अमर है, वो मरे नहीं है। जिनकी डेली कलम की चर्चा होती है, दिली गायकी की चर्चा होती है, ऐसे देवता जिंदा है, अमर है। तो क्या बात है, यही पुकार है। क्या है बाबू आवाज, धरती धाम कायम जबली, सुवर्ण यादव खाना दान गंज कछवा मिर्जापुर तिवारी सादर है जे 151 रुपए का आशीर्वाद चरण में प्रणाम सभी प्रणाम। तो आखिरी अंड कहना किस बाबू आवा दा आखिरी अंड धरती धाम कायम जबले, धरती धाम कायम जबले रही सूर्य चांद हो, विद्वान वरिष्ठ और हमारे स्वर्गीय अमर पंच गुरु रामदेव गुरु जी के परम साथी, चंद्रिका गुरु जी के परम शिष्य,
हम राज साहब से निवेदन करेंगे, हमारे गुरु जी जो इस गीत को लिखी माननीय रामचरण यादव योगी जी, दोनों लोग आ जाए, दोनों मनीष को मैं सम्मान करूं।